हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम आइडियाज़। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हैं, वायरलेस वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे वाटर लेवल इंडिकेटर अवेलेबल हैं और वाटर अलार्म भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी का वेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, टंकी में पानी भर जाता है और वो पानी फेंकता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो आने वाले टाइम में पानी की बहुत ही ज़रूरत है और पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल। वैसे तो मार्केट में 100-150 रुपये का वाटर लेवल इंडिकेटर आ जाता है या वाटर अलार्म आ जाता है, आप उसे अपनी छत पर लगा सकते हैं, टंकी के अंदर लगा सकते हैं। पर उसके साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि एक लंबा सा वायर जो है वो आपको लगाना पड़ता है टंकी से अपने नीचे तक, यानी कि छत से लेकर नीचे तक एक लंबा वायर, जिसे कभी कभी बंदर तोड़ देते हैं या फिर वो गल जाता है, तो काफ़ी परेशानी होती है उससे। तो उसी का ये सॉल्यूशन है कि आप वाटर लेवल इंडिकेटर बनाएं और वो वायरलेस वाटर लेवल इंडिकेटर बनाएं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है बनाना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता सकता हूँ कि किस तरीके से वाटर लेवल इंडिकेटर जो है आप घर पर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। ठीक है, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा बिल ऑफ मटेरियल कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। आप उसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या लाजपत राय मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा ऑनलाइन का भी, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको चाहिए 4 10 किलो ओम के रेसिस्टर्स, ये क्वार्टर वाट के हैं। क्वार्टर वाट के ही मैंने यहाँ पर ये वाले रेसिस्टर्स यूज़ किए हैं जो जिनकी वैल्यू है 220 ओम। एक रेसिस्टर आपको चाहिए 47 किलो ओम का, एक रेसिस्टर आपको चाहिए 1 मेगा ओम का। ये है ट्रांसमीटर, ये RF मॉड्यूल है, ये पेयर के साथ मिलता है। तो ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है इसका, तो यहाँ से डेटा सेंड होगा, यहाँ से डेटा रिसीव होगा। ठीक है, तो इसके साथ में 2 ICs यूज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं एनकोडर डिकोडर IC। तो एनकोडर IC जो है वो ट्रांसमीटर के साथ यूज़ होती है, डिकोडर IC जो है वो रिसीवर के साथ यूज़ होती है। तो एनकोडर IC का जो नंबर है HT12E, वो वहीं से आपको, जहाँ से आप ये मॉड्यूल ख़रीदेंगे तो वहाँ से आपको ये IC भी मिल जाएंगी, HT12E, यानी कि E मतलब एनकोडर, तो ये ट्रांसमीटर के साथ यूज़ होगी। और ST12D, ये जो है 12D IC, ये आपकी रिसीवर के साथ यूज़ होगी। तो आप आसानी से जो है इसे मार्केट से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए ST12D IC है ये, और ये है आपकी ST12E IC, शायद आप देख पा रहे होंगे अब, तो मैं वापस रख देता हूँ इसको। इसके अलावा आपको चाहिए कुछ PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये कॉमन PCB है, ये बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट के अंदर। और इसके साथ में एक IC बेस, बेहतर है कि आप ICs के लिए IC बेस का यूज़ करें, यानी कि अगर IC डायरेक्टली आप इस पर सोल्डरिंग करेंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो IC बेस को सोल्ड करें, उस पर सर्किट बनाएं, उसके बाद ICs में इंसर्ट कर दें तो बेहतर होगा। तो 2 ICs हैं, तो 2 हमने ICBS लिए हैं और 2 PCB इसके छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। ठीक है, इंडिकेशन के लिए हमने 4 LEDs लिए हैं, आप इन्हें अलग अलग कलर की भी ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर की ली है। आप इन्हें अलग अलग कलर लीजिए, जैसे ओवरफ्लो के लिए रेड कलर लीजिए और ग्रीन कलर लीजिए और येलो कलर ले लीजिए, ब्लू कलर ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर की जो है वो LEDs का जो है यूज़ कर सकते हैं। अब सर्किट बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ वायर्स की ज़रूरत होगी, तो कॉमन सेंस की बात है, ये कुछ वायर्स हम वायर्स का जो है वो यूज़ करेंगे। और मॉड्यूल को लगाने के लिए ये एक बर्ग स्ट्रिप है, तो बर्ग स्ट्रिप भी आपको, जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट लेंगे वहाँ से आप बर्ग स्ट्रिप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बर्ग स्ट्रिप वैसे आप डायरेक्टली भी सोल्ड कर सकते हैं PCB पर इसको, बट मैं बर्ग स्ट्रिप के साथ लगाऊंगा कि इसको फिर रिमूव करना आसान होता है। देखिए बर्ग स्ट्रिप में इस तरीके से होल्स होते हैं यहाँ पे इनसे, तो आसानी से आप इसको यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। देखिए ये लग गया, तो जब भी चाहें आप ट्रांसमीटर ख़राब हो जाए या रिसीवर ख़राब होता है आप रिमूव इसको कीजिए, दूसरा लगा दीजिए, तो बहुत आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है ऐसा करना। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत होगी, इस तरीके से जो है अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आईसीज हैं, इन आईसीज को मैं जो है वो सोल्ड कर लेता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको एक स्कीमेटिक चाहिए होगा, यानी कि कौन सी पिन जो है वो आईसीज के कहाँ पर आप जोड़ेंगे मॉड्यूल के, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पूरा स्कीमेटिक दे दूंगा, आप उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं, और प्रिंटआउट लेकर आप उसको सामने रखिए, और सामने रख के आप वैसे वैसे बिल्कुल बनाते चले जाइए, तो बहुत आसान है, सिंपल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इनको साइड कर देते हैं, कंपोनेंट्स को साइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस पीसीबी से। पीसीबी पर मैं देखिए आईसी बेस का मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, आईसी बेस जब आप लगाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम करने की, जूम हो जाए और ये आपको सही से दिखाई दे। फोकस कर ले यार, ठीक है, फोकस हो गया है। ये आप एक नोच देख रहे होंगे, ये वाला कट गोल सा, ठीक है, तो गोल सा ये कट है। इसके नीचे वाली जो पिन, इसको पिन नंबर 1 कहते हैं, तो ये आईसी की पिन नंबर 1 पर लगेगी, यानी कि आईसी इस तरीके से लगाइए, 1 2 3 4 5 6 9, और उसके बाद में 10 11, और ये 18 पिन, राइट। तो इसी तरीके से आईसी देख रहे हैं, आईसी पे भी कट है, तो ये इस तरीके से आईसी लगेगी यहाँ पर, इस तरीके से कट इट। चलिए, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों आईसीज को जो है वो सोल्डरिंग कर दी है, पीसीबी के ऊपर आप देख रहे हैं, दोनों को मैंने सोल्ड कर दिया है। तो एक हमारा जो है वो ट्रांसमीटर रहेगा और एक जो है वो रिसीवर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 9, ये सारी की सारी आपस में आप क्या करिए, शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप पहले तो देख लीजिए पिन नंबर 1, यहाँ से पिन नंबर 1 है, और यहाँ से चलते जाइए, ये पिन नंबर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इस साइड, राइट। तो इस साइड जब आए तो आप क्या कीजिए, सोल्डरिंग वायर लीजिए और इस तरीके से सोल्डरिंग वायर को पिघलाते चले जाइए। ये देखिए, ये आपस में सारी शॉर्ट होती चली जाएंगी पिंस, ये देखिए। पिन नंबर 1 से लेके 9 तक, ठीक। इसी तरीके से दूसरा वाला जो सर्किट है उसके साथ भी हमें यही करना है, ये वाली जो पिंस आप देख रहे हैं, सारी की सारी आपस में हमें क्या करनी है, शॉर्ट करनी है। तो मैं इसको भी जो है वो शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से जो है पिंस जो है वो शॉर्ट हुई है आपस में, एक ग्रिल बन गया है, ये देखिए, ठीक है। तो पिन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया, ठीक। तो एक को मैं रख देता हूँ, ये इसको मैं क्या करूँ, इसको हम बनाते हैं, चलिए रिसीवर। रिसीवर के लिए हमें रिसीवर वाला सर्किट चाहिए, तो इसके लिए बर्ग स्ट्रिप मैंने बताई थी, तो इसको लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले बर्ग स्ट्रिप को आप लगा लें तरीके से, ये लग गई। अब पिन आइडेंटिफाई करने आसान हो जाएगा कि आपको कट कहाँ से करना है। तो आप ये देख रहे होंगे इसकी ये वाली जो पिन ये है, ये बची हुई है यहाँ से, तो मैं इस वाली पिन से कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया यहाँ से, एक पिन जनरली बेस हो जाती है बड़ी स्ट्रिप की, जहाँ से आप कट करते हैं। इस पिन में पहले लगाया था, तभी आप गलती से दूसरी पिन काट दें, ये वाली, ये लगा दी। अब आप इसको जो है अपनी
ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा दें, ये देखिए, ठीक है। तो रिसीवर पर मैंने रिसीवर को लगा दिया है यहाँ पर, ये बैक साइड में आपको यहाँ से देखिए चार पिन, यहाँ से देखिए चार पिन, चार पिन आपको टोटल आठ है, बट आठ यूज नहीं होंगे एक्चुअली में, ये कुछ जो है वो कॉमन पिन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन भी बता दूंगा आपको, वो मैं थोड़ा सा ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये पिन ग्राउंड है, ये वाली पिन डेटा है, ये भी डेटा है, तो डेटा में एक ही पिन पे आप कनेक्ट कर दी क्योंकि दोनों ही डेटा हैं। ये VCC यानी कि 5 वोल्ट आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट देना है, तो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए VCC है, यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये है एंटेना का वायर, यहाँ पर एक छोटा सा वायर लगा दीजिए एंटेना के लिए जैसे सिग्नल रिसीव कर सके आसानी से। तो जब यहाँ पर आपने ग्राउंड दे दिया, यहाँ VCC दे दिया, तो आपको यहाँ पर VCC और ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ कितनी बार यूज होगी, ग्राउंड यूज़ होगा, एक डेटा यूज़ होगा, एक VCC और एक एंटेना, यानी कि सिर्फ चार, ग्राउंड, VCC 5 वोल्ट, डेटा, यहाँ से हम डेटा इसको देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको डेटा मतलब मिलेगा, ठीक है। और ये जो है वो डिकोडर को देगा और डिकोडर आउटपुट पर दिखाएगा, और ये एंटेना का वायर, तो हम सोल्ड कर देते हैं इसको, सोल्डरिंग कर देते हैं। देख सकते हैं मैंने चार चार पिन सोल्ड कर दिए, ठीक। सोल्डरिंग करने के बाद में अब फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए सर्किट को मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। ये देखिए निकल गया आसानी से, निकल कर रख दो उसको, और ये देखिए ठीक। अब हमें अब क्या करना है, हम अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेसिस्टर लगाते हैं। तो हमें 56 किलो ओम का रेसिस्टर चाहिए होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। 56 या 47 किलो ओम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक 47 किलो ओम का रेसिस्टर ले, ठीक है। तो मेरे पास में ये 47 किलो ओम का एक रेसिस्टर है, ये देखिए ये मेरा 47 किलो ओम का रेसिस्टर, 47 किलो ओम का रेसिस्टर आपको कहाँ लगाना है, पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 के बीच में। तो अगर ये पिन नंबर 1 है तो ये 9, ये 10 और ये आपकी 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 16 और 15, तो 16 और 15 के बीच में लगाना है, तो यहाँ लगेगा और 15 के बीच में, बेहतर तरीका ये है क्या पहले रेसिस्टर की पिंस को अलाइन कर लें इस तरीके से, ये आपने अलाइन कर ली रेसिस्टर की पिंस, तो ये देखिए दोनों पिंस मैंने अलाइन कर ली इस तरीके से। अब आराम से आप इसको माउंट कर सकते हैं, इंसर्ट कर दीजिए बिल्कुल। 18 ये है, 17 ये है, 16 ये है, तो 16 और 15 के बीच में खेलेगा, ये देखिए सोल्डिंग करना आसान हो जाएगा। आप इसको 45 डिग्री एंगल पे बेंड कर दीजिए पिंस को, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर दीजिए। बेंड करने के बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, सोल्डरिंग कर देता हूँ। कटर से इसको काट देते हैं, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पिन को पिन नंबर 16 से मिला देते हैं, और इसको ब्रिज बना के ये देखिए, ठीक है। तो ये रेसिस्टर हमारा जो है पिन नंबर 16 और 15 से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पिन पर, 5 वोल्ट देना है, ठीक है। और ये सारा का सारा हमारा ग्राउंड है, तो ये जो हमारा रेल हमने यहाँ पर लगाई है, ये बर्ग स्ट्रिप जो हमने यहाँ पर लगाई है, तो इस बर्ग स्ट्रिप के अंदर ये जो सर्किट आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें VCC है, ग्राउंड है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, वायर जो है वो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो VCC अब इसको लगा लो, आसान हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना, गलती नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर VCC, यहाँ पर एक वायर आप होल्ड कीजिए और आपके नंबर कहाँ पर 18 पर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ छोटा सा, तो ये मैंने वायर ले लिया, थोड़ा फ्लक्स लगा लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स लगाने के बाद ये ठीक लगा लिया हमने, इसको जोड़ते हैं VCC पर। तो VCC कौन सा है, ये वाला पिन, ये पिन VCC है, VCC जोड़ दिया, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर, पिन नंबर 18। इतना वायर बहुत है तो मैं काट देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है। और इसको हम वायर को छीन लेते हैं, इंडिया में वायर, और इसको हम लगा देते हैं पिन नंबर 18 पर, ओके इट्स डन, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने लगा दिया VCC को, IC के VCC से जोड़ दिया। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, 5 वोल्ट है, ठीक है, ओके। अब बचा क्या, ग्राउंड, तो ग्राउंड वाली पिन कौन सी है इसकी, ये वाली पिन, दोनों ही पिन ग्राउंड है इसके बराबर में, ये और ये दोनों पिन ग्राउंड है, तो किसी से भी जोड़ दीजिए आप ग्राउंड वाली वायर, तो कोई डिफरेंट कलर का इसको जो है वो वायर ले लेता हूँ जोड़ने के लिए, कलर अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान हो जाएगा कि ग्राउंड कौन सा है। तो मैं एक उतना ही बड़ा वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ, काफी रहेगा, फ्लक्स की लगा लेते हैं थोड़ी सी इस पर, तो ये फ्लक्स लगाने से सोल्डरिंग जो है वो काफी स्मूथ होती है, अच्छी होती है सोल्डरिंग, ठीक है। ये हम इस पर लगा लिया और इसे लगा दीजिए ग्राउंड, और इसको जोड़ दीजिए ग्राउंड से, ये वाले पिन हमारे ग्राउंड थी, लेकिन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने जोड़ी थी, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया अच्छे से, इसको ग्राउंड भी मिल गया AC को और मॉड्यूल को भी मिल गया आपके रिसीवर को, ठीक है। अब उसके बाद में डेटा, तो ये डेटा वाली पिन इस साइड है, तो बीच वाली ये दोनों पिन जो है वो डेटा हैं, ये वाली पिन, ठीक है। स्कीमेटिक में आपको पता चल जाएगा बहुत आसानी से, तो मैं एक डेटा के लिए एक वायर जोड़ देता हूँ, कोई भी एक वायर ले लिया मैंने, वो भी फ्लक्स लगा कर, डेटा से जोड़ दिया, और इसको हम इतना वायर कट कर लेते हैं और इसको स्किप कर लें, वायर को छीन लें मतलब, ठीक है। वायर स्किप कर लिया हमने,
ठीक है। अब ये देखना है, अब ये वाली जो यहाँ पर पिन है, इन पिन्स में आपको देखना है कि कौन सी पिन जो है वो किसकी पिन है आपके डेटा के लिए है। तो डेटा के लिए जो है पिन नंबर 14 पिन होती है, ठीक है, पिन नंबर 14 होती है। तो यहाँ से देखिए आप, ये वाली पिन जो है वो हमारी क्या थी, 18। तो ये 18 17, ये हुई 16, और ये 15, और ये कौन सी 14, राइट, जस्टिस के बराबर होगी। तो 14 वाली पिन पर इसको हमें जोड़ना है, इसको अलाइन कर लेना सही तरीके से। देखिए अंदाजे से सही कटा है वायर बिल्कुल, आप जो है वो थोड़ा ध्यान से नाप के काटें। ये देखिए तो पिन नंबर 14 पर मैंने डेटा वाला वायर लगा दिया। तो ग्राउंड हो गया, VCC हो गया और डेटा हो गया, राइट। अब इसमें आउटपुट, जहाँ से आप आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट के लिए हमें LEDs, तो LEDs जो है इसमें लगा लीजिए आप। किस तरीके से LEDs आप लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ इस साइड हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आएगा पॉजिटिव। एक LED लगा दी, देखिए LED जो है, LED की जो बड़ी वाली लैग होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लैग जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी लगा दी और ये तीसरी LED लगा दी हमने, और एक फोर्थ LED बची है हमारी, हम इसको यहाँ लगा, इस तरीके से देखिए 4 LEDs हमने लगा दी। इसको 45 डिग्री एंगल पर बैंड कर दीजिए, इसकी लेग्स को सोल्डरिंग करना जो है वो आसान हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको बैंड कर रहा हूँ 45 डिग्री एंगल पर, के बाद इसको रख दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 220 ओम का रेसिस्टर। हर LED पर एक रेसिस्टर लगा के हम क्या करेंगे, ICs की जो 4 पिन बची हुई है, 4 पिन्स, ठीक है, ये वाली पिन, ये 4 पिन बची, ये 4 आपके LED से जुड़ेंगे, ठीक है, यहीं से आपको LEDs पर आउटपुट जाएगा, ठीक। तो ओके, जोड़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो 220 ओम का रेसिस्टर ले लेते हैं, ये है 220 ओम का रेसिस्टर। तो ये किस तरीके से लगा देता हूँ, कैसे करके, ठीक है, तो सोल्डर वायर लीजिए और लेग कट कर दो, यहाँ से भी कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तक आ रही है। अब पिन नंबर जो हमारा
9 है, उससे पहली बार जो है वो हम सोल्व कर देते हैं। थोड़ा फ्लक्स लगा लेते हैं। ये देखिए, ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला रेसिस्टर, ध्यान रहे कि कोई भी रेसिस्टर जो है वो आपस में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आप इनको सोल्ड करें कि आपस में शॉर्ट ना करें। इसको कट कर लिया मैंने, फ्लक्स लगा लेता हूँ थोड़ा। ये भी हो गया सोल्ड, और यहाँ से मैं इस पिन को घुमाकर इस तरीके से अगला थोड़ा सा प्लस यहां सोल्ड करता हूँ, रख के सोल्ड करता हूँ। यही से मैं वायर को घुमा देता हूँ रेसिस्टर को, और ले जाता हूँ यहाँ। अगर आपका कोई वायर ओवरलैप कर रहा हो तो आप, हाँ बचा हमारा लास्ट रेसिस्टर, और लास्ट रेसिस्टर भी मैं लगा देता हूँ। लास्ट रेसिस्टर ही ढंग से लगा, और ये जोड़ देते हैं इस एलईडी से लास्ट वाली। ठीक, अब ये वाली जो नेगेटिव वाली है एलईडी की, इसको वोल्टेज वाले नेगेटिव से जोड़ देते हैं जो हमने पहले जोड़ा था। ठीक है, ये वाला हमारा नेगेटिव था, इसी से जोड़ देते हैं नेगेटिव। तो एक वायर ले लेते हैं छोटा, वायर का टुकड़ा ले लिया, ये ग्राउंड पर लगेगा तो मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से एलईडी को नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा, और ये वाला वायर जो है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब बैटरी के लिए ये नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव दो वायर आपको जोड़ने।
एक्टिव और पॉजिटिव वायर एक, देखिए ये भी VCC है, आप यहाँ भी दे सकते हैं VCC, जैसे हमने VCC यहाँ जोड़ा था तो हम यहाँ यहीं जोड़ देते हैं VCC को भी। तो देखिए रिसीवर जो है वो हमारा डन कंप्लीट हो चुका है, इतना वायर में काट देता हूँ। और यहाँ पर आप IC लगा दीजिए HT12D है, इसको ध्यान दें कि ये जो नोच है पिन नंबर 1 यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर नोच है 1 यहाँ पर है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल आपको IC लगानी है। IC की पिन का ध्यान है थोड़ा सा इनको बैंड कर लें अंदर की तरफ, क्योंकि नई IC जो होती है वो उसकी पिन थोड़ी जो है वो चौड़ी है, थोड़ी सी अंदर की तरफ बैंड करके और जेंटली आप इसको इंसर्ट कर दो। ये देखिए बहुत आसानी से, ये देखिए तो आपका रिसीवर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे आपको ट्रांसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है।